हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मेरा नाम वजाहत है और मेरे साथ नदीम। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मेरा ना तो ये मैं फिर से बोलने वाला था लेकिन वीडियो का जो टाइटल है वो है वीजा फ्री कंट्रीज फॉर इंडियंस के, मतलब के ऐसे देश जहां पर इंडियंस फ्री में वीजे के बगैर जा सकते हैं। अच्छा, ऐसे हैं देश? हाँ भाई, जा सकते हैं। हाँ तो क्यों पापा जी, होते हैं उनके कोई कहानी है तो तभी तो ये बोल रहे हैं। यही पता चलेगा ना। वही तो काउंट ऑन करते बिना किसी देरी के टॉप 10 हिंदी का वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेडफोन तो लगा ली, आप लोग भी लगा लीजिए। बिना वीजा के भारतीय जा सकते हैं ये टॉप 10 देश। हेलो फ्रेंड्स, टॉप 10 हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 ऐसे देशों की जहां भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा? और आप बिना वीजा के इन देशों में कहीं भी जाके घूम सकते हैं। कमाल है। हालांकि आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपके पास कोई भी सरकारी कार्ड होना चाहिए और साथ ही उस देश का मुद्रा भी। अच्छा, पैसा। तो आइए देखते हैं। पैसे तो लाजमी है। तो वो तो सही बात। नेपाल। ओ नेपाल। नेपाल भारत के बहुत ही करीब है। इस देश में भारतीयों के लिए आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे भारतीय बिना वीजा के केवल घूम ही नहीं बल्कि काम भी कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे आप रह भी सकते हैं लेकिन आपके पास आईडी प्रूफ होना जरूरी। अच्छा। है जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि। भारत और नेपाल के संबंध अच्छे होने के कारण ये संभव हुआ है। नेपाल के साथ 1950 में इंडो नेपाल ट्रीटी फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप के चलते दोनों देशों में आज तक भी शांति कायम है और ये देश एक दूसरे के परम मित्र हैं। इसलिए भारतीय आराम से नेपाल जा सकते हैं और उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे बावन पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर सुंदर वादियाँ हैं जिसे देखने के लिए नेपाल कई भारतीय जाते हैं। नेपालीज मुद्रा की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत भी अधिक है, तो अगर आप अगली बार बाहर जाने का सोच रहे हैं तो नेपाल सबसे सही जगह है। प्यारी जगह। दो, मॉरिशियस। मॉरिशियस को एशिया के देशों में सबसे सुंदर देश माना जाता है। आबादी बहुत है। हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और यहाँ पे आप सुंदर वाटरफॉल्स, प्रकृति, नीला पानी का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो मॉरिशियस आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत देश को जाने के लिए भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं है? मॉरिशियस का भारत के साथ अच्छे संबंध है और यही कारण है कि आप मॉरिशियस सिर्फ पासपोर्ट के साथ जा सकते हैं। पासपोर्ट बस। मॉरिशियस एयरपोर्ट पहुंचने पे आपके पासपोर्ट पे 60 दिन के लिए अनुमति दी जाएगी इस देश में रहने के लिए। 2 महीने। इसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि आपके पास भारत वापस आने के लिए रिटर्न टिकट होना चाहिए। अच्छा। सिर्फ घूमने के लिए नहीं, आप 60 दिन तक बिजनेस ट्रिप पे भी मॉरिशियस जा सकते हैं। कमाल है यार। बिजनेस के लिए। 3, भूटान। भूटान भारत का निकटतम देश है और ये एक तरफ से सिक्किम से जुड़ा हुआ है। खुशखबरी ये है कि यहाँ पे भी आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है और आराम से भूटान में घूम सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये भी जान लें कि भूटान जाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको अपने साथ पासपोर्ट, आइडेंटिटी प्रूफ जो कि कोई भी भारतीय सरकार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो सकता है जैसे कि वोटर आईडी, वो तो लाजमी है यार, हो सकता है। साथ ही आप भूटान में भारत के 500 और 2000 वाले नोट नहीं चला सकते। अच्छा। इसलिए आपको भूटान के मुद्रा में ही पैसे खर्च करने हैं। भूटान भी हिस्सों के लिए मशहूर है और साथ ही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए भी। शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने हाइती के बारे में सुना। हाँ, मैंने नहीं सुना। जी हाँ, हाइती एक कैरेबियन देश है जो डोमिनिक रिपब्लिक के पास स्थित है। अच्छा। ये एक द्वीप जैसा है जिसके चारों ओर पानी ही पानी है और इसलिए यह देखने के लिए बेहद पानी पानी है। आप चारों तरफ से पानी गहरा हुआ है। ये एशियाई देश न होने के बावजूद भी यहाँ पे भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको वहां पे सिर्फ अपना पासपोर्ट देना है और $10 का फीस भरना है। बस उसके बाद आप हाइती में कहीं भी घूम सकते हैं। दोनों देशों की मुद्राओं में ज्यादा अंतर ना होने के कारण आपको इस देश में ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, मतलब नॉर्मल ही आएगा। 5, जमैका। जमैका। आपको समंदर, डॉल्फिन, नाच गाना, ऊंचे पहाड़ ये सब पसंद है तो जमैका आपके लिए बिल्कुल सही जगह है।
और यहाँ का संगीत दुनिया भर में काफी मशहूर है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे भारतीय पर्यटक बिना वीजा के आसानी से घूम सकते हैं। जी हाँ, दरअसल भारतीयों के लिए 30 दिन तक जमैका में रहने और घूमने के लिए वीजा नहीं चाहिए, मगर आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। पासपोर्ट तो होना लाजमी है ना। पासपोर्ट पे वहाँ के ऑफिशियल्स स्टैम्प कर देंगे, उसके बाद आपका पासपोर्ट ही वीजा की तरह काम आएगा और आप बड़े आसानी से जमैका में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि बाकी देशों की तरह यह इतना सुरक्षित नहीं है। अच्छा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये कैसा देश है? ये तो नाम में पहले पहली दफा सुन रही हूं। है जो वेनेजुएला देश के पास स्थित है। ये देश कार्निवल आयोजन करने के लिए दुनिया भर में काफी मशहूर है। इसके साथ ही अगर आप पशु पक्षी के प्रेमी हैं, तो ये जगह आपको जरूर जाना चाहिए। इस देश में भारतीयों को बिना वीजा के जाने की अनुमति है लगभग 90 दिनों के लिए। अच्छा, 90 दिनों के लिए बंदा फ्री जा सकता है। चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज्यादा हो। इसके साथ ही आपके पास वापस जाने की भी टिकट होनी चाहिए, तभी आप इस देश में बिना वीजा के दाखिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि ये नियम सिर्फ पर्यटक के लिए ही नहीं, बल्कि काम के सिलसिले पे जाने वाले लोगों पे भी लागू होता है। साथ एक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में एक छोटा सा देश है और गालापागोस द्वीप के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ तक कि अमेज़न जंगल का एक हिस्सा इसी देश के अंदर भी आता है। अब जब बात अमेज़न जंगल की हो रही है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि आप यहाँ क्या देखने के लिए जा सकते हैं। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। यहाँ आपको दुर्लभ जीव देखने को मिलेंगे और आप अमेज़न की सैर कर सकते हैं। भारतीयों के लिए खुशी की बात यह है कि बिना वीजा के आप यूके डोर में 90 दिन रह सकते हैं। बहुत ज्यादा यार, ये तो बहुत खूबसूरत और अमीर मुल्क है। ध्यान रखिए कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि उसकी वैलिडिटी मतलब जो टाइम रह गया। माइक्रोनेशिया, हाइती की तरह माइक्रोनेशिया का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि पैसिफिक महासागर में ये देश बसा है और यहाँ पे लगभग 400 द्वीप हैं। इस जगह का नजारा बहुत ही खूबसूरत है और अपने में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ पर पर्यटक आते जाते रहते हैं और ये बहुत ही साफ देश है। भारत के लोगों के लिए यहाँ पर बिना वीजा की अनुमति है लगभग 30 दिनों के लिए। बस एक बार आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है कि कहीं जल्दी उसकी समाप्ति की तारीख तो नहीं है। यहाँ पे सरकार ने ये नियम बनाया है कि पासपोर्ट आपकी 6 महीने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। 9. सर्बिया, सर्बिया यूरोप पेनिनसुला में स्थित एक देश है जहाँ पे भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं है। ये देश में आप रोमन आर्किटेक्चर देख सकते हैं, ऐतिहासिक जगह है और आपको यहाँ पे बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स भी दिखेंगे। फिरने के लिए यूरोप में शायद ये एक ऐसा देश है जिसमें भारत वासियों को वीजा नहीं चाहिए होगा। आप यहाँ पे बिना वीजा के आराम से 30 दिन तक रह सकते हैं। 10. इंडोनेशिया में हर साल भारतीय पर्यटक के रूप में जाते हैं। ये देश भारत के काफी करीब है और आप कम खर्चे में एक अच्छी जगह घूम सकते हैं। इंडोनेशिया भी बहुत बड़ा आबादी वाला मुल्क है। से शुरू करके पशु पक्षी और यहाँ तक कि उनका संगीत पूरी दुनिया में मशहूर है। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा देश है। यही कारण है कि यहाँ पे पर्यटकों की संख्या भी अधिक है। भारतीयों को ये देश खास स्वागत करता है, क्योंकि आप यहाँ पे 30 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं और इसकी गिनती तब से शुरू होती है जिस दिन आप एयरपोर्ट में पहुंचते हैं। मतलब जिस दिन पहुंचोगे उस दिन हमारे टॉप 10 देश जहाँ भारतीय बिना वीजा के जा सकते हैं। हमारे सारे वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। अबे कोई ऐसे ऐसे देश भी थे जिनके नाम हमने नहीं सुने पड़े थे, लेकिन वो खूबसूरत तो बहुत ज्यादा थे यार। अगर आप लोग जाना चाहो तो कहाँ जाना चाहोगे कमेंट सेक्शन में प्लीज। ये तो पहली दफा सुना है कि वीजा के बगैर भी बंदा जा सकता है। सर पासपोर्ट देखा और जाओ। मैंने ऐसे पहले नहीं सुना, मैंने खुद नहीं सुना हुआ भाई। और इंडिया को अलाओ ऐसे देशों में जाना, और मतलब 10 ममालिक में बिल्कुल। और एक अमेरिका साइड पे भी एक देश था, वहाँ पे भी जाना अलाओ है। वहाँ पे अमेज़न के जंगल भी है। वहाँ पे सारी बात है, फिर आप समझ सकते हैं अमेज़न का जंगल कितना पूरी दुनिया में फेमस है। इंडोनेशिया में जा सकते हो, भूटान, नेपाल और वो ऐसे ऐसे देश। सर्बिया वो उनके नाम पापा काफी बिल्कुल कोई ऐसे नाम ऐसे हैं जो हमारे ज़हन में नहीं आते कभी। लेकिन उनके डिफरेंट कल्चर्स वगैरह देख के ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ जाना चाहिए अगर सब कुछ फ्री में। किस मुल्क में आप 30 दिन रोक सकते हैं, किस मुल्क में 3 महीने रोक सकते हैं। आप अगर आप यार बिल्कुल आप अगर अपने कंट्री में घूमने का इरादा कर रहे हैं, तो इससे अच्छा इन कंट्रीज में आप घूमने का इरादा करें, फिर आप मतलब
बंदा होता है ना कि मैं बाहर से घूम के आऊं इधर उधर से, मतलब विजिट मार के, पैसे तो उतनी लग रहे हैं नॉर्मल, एक मतलब नॉर्मल भी हो सकता है ट्रिप, ये नहीं कि फाइव स्टार में इधर उधर रहो तो तभी मुमकिन है। ये वजह तो वो मालिक करते हैं जिनको उन कौमों में एतबार होता है कि इनको वीजा दें। हाँ तो तभी ना, तो तभी तो इंडियन को हलाओ है, उनको उन पे ट्रस्ट है ना कंट्री को, इस कंट्री पे इंडिया पे, तभी तो इंडिया के लिए इतने फ्री है इतने कंट्री। अभी तो सिर्फ टॉप 10 है और भी होंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने पहले ये जहन में मेरी बात नहीं थी कभी कि वीजा के बगैर भी किस मुल्क में आप जा सकते हैं। ऐसा ही है पापा, मुझे अब पता चला है कि इंडिया लोगों को कितने मुल्कों में जाने की इजाजत वीजा के बगैर है, वीजे के बगैर इजाजत आप जाके किसी किसी देश में आप 3 महीने रह सकते हो, किसी देश में आप 2 महीने रह सकते हो, किसी देश में आप 1 महीना रह सकते हो। बिल्कुल उधर काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, काम का भी वीजा है 2 महीने 3 महीने या 1 महीने, कोई अलग कोई उधर वीजे की ऐसी नहीं है, आप काम भी आसानी से कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है काम। फिर आप आई थिंक फिर वीजा आप लगवा लोगे, काम आप रेगुलर कर रहे हो। एक ऐसा ममालिक भी बताया जो 6 महीने भी रुक सकते हैं। हाँ 6 महीने भी रुक सकते हैं, सही कहा। ये बहुत बड़ी बात है वजह वीजे के बगैर दूसरे, हाँ ना, ये तो मुकम्मल एक तरह का समझो कि आम नागरिक हो गया उस देश का, क्योंकि ट्रस्ट है ना भाई, भाई उनके रिलेशन इंडिया के साथ ऐसे इतने अच्छे हैं कि उनको अलाउ है। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।